아니, 아니, 좋아하시는 거 준비입니다. 얘는 성경 이야기를 읽어드릴게요. 읽어드릴게요. 공주 얘기 차이는 이거. 버터 고픈 얼버리 바데. 버터 고픈 얼버리 바데. 이라는 이야기예요. 읽어드릴게요. 어, 어떻게 된 거지? 바르. 이스라엘 के पहले राजा का नाम शाऊल था। राजा शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, इसलिए परमेश्वर ने शमूएल नबी से कहा, शीए नाम के एक व्यक्ति को ढूंढ, उसके पुत्रों में से एक नया राजा होगा। इस्राएल के पहले राजा का नाम शाऊल था। राजा शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा ने नहीं मानी, इसलिए परमेश्वर ने शमूएल नबी से कहा, यिशै नाम के एक वयोधिक के ढूंढ, उसके पुत्र में से एक नया राजा हैगा।바렌티틱 윙크하는 거 아니에요? 응, शमूएल को यिशै बैतलहम में मिला। उसने यिशै के 7 पुत्रों को देखा। वो सुंदर और बलवान दिखते थे। उनमें से कोई नहीं, परमेश्वर ने कहा, मैं बाहरी रूप को नहीं देखता, मैं एक व्यक्ति की आंतरिक दिल की परवाह करता हूँ। शमूएल के यिशै बैतलहम में मिला। उसने यिशै के 7 पुत्र के देखा। वह सुंदर और बलवान दिखते थे। उसमें से कई नहीं, परमेश्वर ने कहा, मैं बाहरी रूप के नहीं देखता, मैं एक वयोधिक की अंतर दिल की परवाह करता हूँ। तुम왕이 전한다고 했어요. 사무엘이 왕이 전한다고, 왕을 누가 왕이 될 건지 찾으러 사무엘이 왔어요. 어? 룻 이야기 알죠? 룻. 룻에서 제일 마지막 페이지를 보면 다윗이 큰 왕이 될 거라고 했잖아요. 그 다윗이랑 다윗 아빠랑 비슷해요. 얼굴이. 봐봐요. 그래서 얘가 될 거라고 했고, 이번에는 이제
हम भेजे ईशा ने उसके सबसे छोटे बेटे को संदेश भेजा जो खेतों में भेड़े चरा रहा था। शमूएल ने उसे देखा और परमेश्वर ने कहा, वही है। इस तरह दाऊद नया राजा होने के लिए अभिषिक्त किया गया था। ईशा ने उसके सबसे छोटे बेटे के को संदेश भेजा जे खेते में बड़े चढ़ा रहा था। शमूएल ने उसे देखा और परमेश्वर ने कहा, वही है। इस तरह दाऊद नया राजा होने के लिए अभिषिक्त किया गया था। 그래서 다윗이라고 했는데 다윗이라고 했는데 다윗이었다. 너무 많이 구운다. 이거 너무 많이 구우지 않나? परमेश्वर एक व्यक्ति के जो उसके दिल में है से ज्यादा उसके बाहरी रूप को देखता है, सही या गलत? गलत। ओ ये है। कुछ समय के बाद इजरायलियों ने पलिश्तियों के साथ युद्ध किया। एक दानव पलिश्ती सिपाही गोलियत ने इजरायलियों को उसके साथ लड़ने के लिए एक योद्धा को भेजने के लिए कहा, पर सभी इजरायली डरे हुए थे। कुछ समय के बाद इजरायल ने पलिश्तियों के साथ युद्ध किया। एक दानव पलिश्ती सिपाही गोलियत ने इसराइल ने के उसके साथ लगने लड़ने के लिए एक यों दूता युगु के को भेजने के लिए कोहा पर सभी इसराइली डरे हुए थे। किसे परमेश्वर ने इज़राइल का नया राजा होने के लिए चुना? इवन ओ ये
वहां भेजे। दाऊद सेना में उसके भाइयों के लिए भोजन लेकर आया। उसने गोलियत की चुनौती सुनी और डरा नहीं। परमेश्वर की सेना का अपमान करने की उसकी इतनी हिम्मत? दाऊद ने कहा, मैं उसके साथ युद्ध करूंगा। दाऊद सेना में उसके भाइयों के लिए भोजन लेकर आया। उसने गलियत की चुनौती सुनी और डरा नहीं। परमेश्वर की सेना का अपमान करने की उसकी इतनी हिम्मत। दाऊद ने कहा, मैं उसके साथ युद्ध करूंगा। अचंभित हुए राजा शाऊल ने दाऊद को अपने शस्त्र देने की पेशकश की। नहीं, दाऊद ने कहा, परमेश्वर ने जंगली जानवरों को मारने में मेरी सहायता की है, वो गोलियत के विरुद्ध भी मेरी सहायता करेगा। दाऊद ने 5 पत्थर और 1 गोफन लिया। आज मिप्त हुए राजा शाऊल ने दाऊद के अपने शस्त्र देने की पेशकश की। नहीं, दाऊद ने कहा, परमेश्वर ने जंगली जानवरों के मारने में मेरी सहायता की है, वह गलियत के विरुद्ध भी मेरी सहायता करेगा। दाऊद ने 5 पुत्र और 1 गर्भवती लिया।사왕이 갑옷을 주었더니 너무 무겁다고 안 하고 그냥 돌멩이들이랑 절멧돌만 가져왔다. 야, 내가 एक कुत्ता हूं, गोलियत दहाड़ा। तुमने मेरे साथ युद्ध करने के लिए एक छोटे से लड़के को भेजा है। तेरे पास एक भाला है, दाऊद ने कहा, पर मेरे पास इसराइल के परमेश्वर की सहायता है। क्या मैं एक कुत्ता हूँ, गलियत
दहाड़ा। तुमने मेरे साथ युद्ध करने के लिए एक चेते सेलर के को बर जाऊं आहें। तेरे पास एक बाला है। दाऊद ने कहा, पर मेरे पास इस्राएल के परमेश्वर की सहायता है। कोई कोई करना वैसा चंदा गानी था दाऊद ने गोफन में पत्थर डाला और घुमा कर मारा। ये गोलियत के माथे में लगा और उसे नीचे गिरा दिया। इजरायलियों ने पलिश्तियों को हरा दिया। परमेश्वर की सहायता के साथ दाऊद एक हीरो था। दाऊद ने गेफन में पत्थर लाया और दुमा कर मारा। यह गलियत के माथे में लगा और उसे नीचे गिरा दिया। इसराइल ने पलिशमेंट ये के हरा दिया। परमेश्वर की सहायता के साथ दाऊद एक ही रहता। केसो थोड़ी साउलावानी हो परमेश्वर ने गोलियत दानव को 5 पत्थर और एक गोफन का प्रयोग करते मारने में दाऊद की सहायता की। सही या गलत? तुम जैसे पता नहीं हो सही। उहू भेड़ पत्थर लेवनन संगे या किसी को बंदे और तन्ना हो जैसे ना हो। फिर मंथाई में तो बाय।